हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फेलियर टू सक्सेस में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एलएचबी की जो फिएट बोगी है उसमें जो हमारी फ्लेक्सी कॉइल सेकेंडरी स्प्रिंग यूज की जाती हैं उसमें दो बैंड प्रोवाइड किए जाते हैं उनके बारे में और उनके अलाइनमेंट डेविएशन के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे द्वारा अपलोड किए जाने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करता हूं फ्लेक्सी कॉइल। सेकेंडरी स्प्रिंग ऑफ फिएट बोगी, इसमें इस स्प्रिंग में दो बैंड्स होते हैं। तो कौन कौन से बैंड होते हैं, तो सबसे पहले तो उनके बारे में हम जान लेंगे। नंबर एक जो होता है हमारा नॉन फेरस मेटल बैंड, और दूसरा जो हमारा होता है वो होता है एल्यूमिनियम प्लास्टिक एडहेसिव बैंड। इन दोनों बैंड से हमें कुछ ना कुछ जानकारी मिलती है। क्या जानकारी मिलती है, तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाले की बात कर लेते हैं। ये कहां पर होता है, ऑलवेज इन अपर पोजीशन, मार्क्ड विथ, किस तरह से इस पे मार्किंग बनी होती है, तो इसको मैं सिंबल से दिखा रहा हूं। ये मैंने थ्री हैज बना दिए ऑब्लिक करके, यहां पे मैंने एक साइन बना दिया, डॉलर का साइन कह सकते हैं आप इस तरह से। ये जो पोर्शन है ये किस लिए होता है, ये हमारा होता है लेंथ, या फिर इसी को हाइट कह सकते हैं, लेंथ ऑफ स्प्रिंग और हाइट ऑफ स्प्रिंग अंडर टेस्ट लोड इन एमएम। ये हमारी एमएम में स्प्रिंग की हाइट अंडर टेस्ट लोड या स्प्रिंग की लेंथ इन टेस्ट लोड। और ये जो दो रहते हैं इनका हो जाता है, ये है हमारी वैल्यू ऑफ अलाइनमेंट डेविएशन इन एमएम। ये भी हमारी एमएम में रहती है। सेकंड जो हमारा बैंड है, ये तो हमारा पहला बैंड हो गया था, अब दूसरा बैंड एल्यूमिनियम प्लास्टिक एडहेसिव बैंड। ये क्या शो करता है, तो ये हमारी पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ अलाइनमेंट डेविएशन, ये इस बात को शो करता है। अभी यहां पे वैल्यू ऑफ अलाइनमेंट डेविएशन था जो एमएम में थी, ये तो वैल्यू हो गई, अब उसकी डायरेक्शन को शो करने के लिए एल्यूमिनियम प्लास्टिक का हमारा एडहेसिव बैंड लगाया गया, तो ये उसकी पॉजिटिव डायरेक्शन को शो करता है। तो ये तो दोनों बैंड्स हो गए। अब हम स्प्रिंग की पेयरिंग कैसे करेंगे, उनकी ग्रुपिंग कैसे करेंगे, किस आउटर स्प्रिंग में कौन सी इनर स्प्रिंग डालनी है, तो इसके लिए हमारे पास कुछ रूल्स हैं। तो क्या रूल्स हैं, तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं अगर हमारे पास न्यू स्प्रिंग है। फॉर न्यू स्प्रिंग के लिए क्या रूल रहेगा, तो नंबर एक डिफरेंस, शॉर्ट में लिख रहा हूं, डिफरेंस बिटवीन हाइट ऑब्लिक लेंथ ऑफ स्प्रिंग कहां से मिलेगी, ये जो वैल्यू अभी मैंने आपको बताई ये हमारी हाइट के लिए, तो मैं यहां साइन भी बना देता हूं इसका, जो कि एमएम में होगी। यहां से हमें हाइट या लेंथ मिल जाएगी ऑफ टू आउटर स्प्रिंग, कौन सी स्प्रिंग की, ये हमारी सेकेंडरी स्प्रिंग है, ये ध्यान देना आप, हम सेकेंडरी स्प्रिंग की बात कर रहे हैं। टू आउटर स्प्रिंग शुड नॉट एक्सीड 2 mm, यानी जो सेकेंडरी स्प्रिंग की जो हमारी आउटर स्प्रिंग है उनकी हाइट या जो लेंथ है अंडर टेस्ट लोड, ये हमें यहां से मिलेगी, जो ये जो वैल्यू है इस पे लिखी होगी, बैंड पे लिखी होगी, वहां से मिलेगी, इनमें 2 mm से ज्यादा का डिफरेंस नहीं होना चाहिए। ठीक है,
दोनों आउटर स्पिन की बात हो रही है हमारी। तो एक तो ये हो गया, नंबर दूसरा डिफरेंस बिटवीन अलाइनमेंट डेविएशन, जो कि हमें इस वैल्यू से मिलेगा, यहां से मिल जाएगा, ऑफ टू आउटर स्प्रिंग, ये भी हमारी सेकेंडरी स्प्रिंग की बात हो रही है, शुड नॉट एक्सीड 4 mm, 4 mm से ज्यादा का उसमें डिफरेंस नहीं होना चाहिए आउटर स्प्रिंग के लिए। तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, डिफरेंस बिटवीन अलाइनमेंट डेविएशन ऑफ टू इनर सेकेंडरी स्प्रिंग, शुड नॉट एक्सीड 8 mm, यानी जो इनर स्प्रिंग है उसमें जो डेविएशन है वो 8 mm से ज्यादा का डिफरेंस नहीं होना चाहिए। चौथा पॉइंट क्या हो जाएगा, डिफरेंस बिटवीन हाइट ऑब्लिक लेंथ ऑफ स्प्रिंग ऑफ टू इनर सेकेंडरी स्प्रिंग, जो पहला पॉइंट था वो आउटर स्प्रिंग के लिए था, अब उसी में हम इनर स्प्रिंग की बात कर रहे हैं, इज नॉट कंसीडर्ड, यानी इनर स्प्रिंग में अगर जो लेंथ है या हाइट है उसके लिए हम उसको कंसीडर नहीं कर सकते, यानी उसमें डिफरेंस हमारा कितना भी हो चल सकता है। आउटर के लिए हमारा है लिमिट है 2 mm से ज्यादा का डिफरेंस नहीं होना चाहिए, अलाइनमेंट का आउटर के लिए 4 mm से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और इनर स्प्रिंग का अलाइनमेंट के लिए 8 mm से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये 4 पॉइंट हमारे हो गए, और एक पांचवा पॉइंट क्या हो जाएगा, आउटर स्प्रिंग का एल्यूमिनियम बैंड आउटसाइड एंड इनर स्प्रिंग का एल्यूमिनियम बैंड इनर साइड, यानी अंदर की ओर होना चाहिए। इसको डायग्राम में किस तरह समझेंगे, ये मैंने एक आउटर स्प्रिंग बनाई और ये मैंने इनर स्प्रिंग बनाई। तो आउटर स्प्रिंग का जो एल्यूमिनियम बैंड है ये मैंने एल्यूमिनियम बैंड दिखा दिया, ए लिख दिया, और इनर स्प्रिंग का एल्यूमिनियम बैंड अंदर की तरफ हो जाएगा, इसको मैंने सी लिख दिया। इसी तरह ये हमारा डी हो गया और ये हमारा बी हो गया। तो ये आउटर स्प्रिंग का एल्यूमिनियम बैंड ये हो गया, इनर स्प्रिंग का एल्यूमिनियम बैंड ये हो गया। तो देखिए ये आउटर स्प्रिंग है, इसका बाहर की ओर, इनर स्प्रिंग का अंदर की ओर, इनर स्प्रिंग का अंदर की ओर, आउटर स्प्रिंग का बाहर की ओर। तो ये हमारे इनके एल्यूमिनियम बैंड की डायरेक्शन हो गई, यहां पर इसमें लिख देता हूं, ये हमारा एल्यूमिनियम बैंड हो गया, ये सारे हमारे एल्यूमिनियम बैंड हो गए। अब इसी में हम लिख लेते हैं, ये जो हमने सब लिखा है इसी को मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं आपको, किस तरह से डिफरेंस लेंथ के लिए लिखेंगे, अलाइनमेंट के लिए लिखेंगे, तो ए माइनस बी जो है हमारा वो कितना 4 mm से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो लेस देन 4 mm हो जाएगा। आउटर के लिए हो गया क्योंकि आउटर में ए और बी है, इनर में सी और डी है, तो डिफरेंस बिटवीन सी एंड डी ये जो है ये 8 mm से नहीं होना ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो हमने 8 mm का लिख लिया, ये हो गया। इसके बाद एक कंडीशन और लिखी है, ए आउटर स्प्रिंग में जो डेविएशन है वो बी से ज्यादा होना चाहिए, और इसी तरह से इसी के साथ कंडीशन सी डी से बड़ा होना चाहिए। इसको किस तरह से ये नोट करके लिख लेते हैं, नोट
आउटर एंड इनर स्प्रिंग, विथ हायर वैल्यू ऑफ अलाइनमेंट डेविएशन टू बी इन सेम स्प्रिंग असेंबली, यानी आउटर स्प्रिंग और इनर स्प्रिंग में जो भी वैल्यू ज्यादा है, जिसकी भी वैल्यू ज्यादा है वो एक पेयर में आएंगे। जैसे यहां पर आप देख लीजिए, ए और सी दोनों ही बड़ी स्प्रिंग है, ये आउटर है और ये हमारी इनर है, तो ए और सी को हमने एक साथ पेयरिंग कर रखी है और बी और डी जो कि स्मॉल में है इनको हमने एक साथ कर रखी है। एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं इसको हम। हमारे पास दो स्प्रिंग है, आउटर स्प्रिंग जो हमारी है इनके जो डेविएशन है, डेविएशन ऑफ अलाइनमेंट, अलाइनमेंट के जो डेविएशन है हमारे, मान लीजिए हमारे पास 14 mm और 7 mm के हैं, ये आउटर के लिए हो गए। और इनर स्प्रिंग के लिए डेविएशन जो हमारे हैं, इनर स्प्रिंग अलाइनमेंट डेविएशन, इनर स्प्रिंग के लिए वैल्यू हमारी 24 mm एंड 14 mm है। तो पेयरिंग कैसे होगी, ये देखिए, ये आउटर का बड़ा है इन दोनों में और ये इनर का बड़ा है, तो इन दोनों को हम एक साथ रखेंगे, यानी पेयर कैसे बनेंगे, पेयर हो जाएगा 14 mm आउटर एंड 24 mm इनर, ये एक साथ रहेंगे। और दूसरा पेयर क्या बन जाएगा हमारा, 7 mm आउटर एंड 14 mm इनर, इन दोनों का अलग से एक साथ पेयर बन जाएगा। तो दोस्तों ये मैंने आपको न्यू स्प्रिंग के लिए बताया। अगर हमारे पास ओल्ड स्प्रिंग है तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये न्यू स्प्रिंग का है, ओल्ड कंडीशन में क्या होगा, तो यहां पर जहां 4 mm लिखा है यहां पर 8 mm हो जाएगा। मैं यहीं पर ब्रैकेट में लिख देता हूं 8 mm फॉर ओल्ड, अगर ओल्ड स्प्रिंग है, और जहां 8 mm लिखा है ये हमारा हो जाएगा नॉट कंसीडर, तब हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे। और पहला वाला जो पॉइंट है वो हमारा सेम ऐसे ही रहेगा, 2 mm का ही डेविएशन रहेगा। और बाकी ये चारों पॉइंट मैं आपको बता दी हैं, आउटर स्प्रिंग, ये चौथा पॉइंट जो है डिफरेंस बिटवीन लेंथ ऑफ द टू इनर स्प्रिंग, ये हमारा ओल्ड के लिए सेम रहेगा, ये सेम है, और ये वाला भी हमारा सेम रहेगा। यानी पहला और चौथा पॉइंट जो है हमारे वो सेम है। दूसरे पॉइंट में क्या चेंज हुआ है, 4 mm की जगह 8 mm हो जाएगा, और चूंकि ये आउटर के लिए था और इनर के लिए जो 8 mm था इसमें नॉट कंसीडर हो जाएगा। तो दोस्तों ये मैंने आपको सेकेंडरी स्प्रिंग ऑफ फिएट बोगी में पेयरिंग कैसे करते हैं, उसमें कौन कौन से बैंड होते हैं, उसके बारे में बताया। वीडियो आपको कैसा लगा, पसंद आया हो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।